hello student kemcho majamane hope all of you are fine welcome once again to my youtube channel i am jaimin satwara okay students in our last video we studied about the iupac naming iupac naming of cycloalkane cycloalkene cycloalkane and functional group like carboxylic acid

तो हम लोग जब भी यहाँ पे कोई भी फंक्शनल रूप लिखते हैं तो आप लोग वो फंक्शनल रूप तो लिखिए लिखिए लेकिन उसके साथ वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपना आंसर बताइए और अगर आपका आंसर राइट right होता है तो आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हो और रूल्स को अच्छी तरीके से समझ रहे हो अगर आपके आंसर में छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखिए और रूल्स को समझने का ट्राई कीजिए चलिए शुरू करते हैं देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले एल्डिहाइड जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा आर सी एच ओ जहां पे आर क्या हो सकता है तो बच्चों जहां पे आर हो सकता है हमारा कोई भी अल्काइल या तो फिर एराइल ग्रुप ओके कॉमन नेम सबसे पहले कैसे किया जाएगा कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम कैसे किया जाएगा तो कॉमन नेम किया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके नेम के पीछे से एक एसिड को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे क्या डाल देंगे बच्चों क्या डालेंगे अल्डिहाइड जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं समझो बच्चों वन कार्बन वाला जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था उसे हम लोग नाम देते रहे फॉर्मिक एसिड है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एसिड को रिमूव करना है और आलडीहाइड यहाँ पे अटैच कर डालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मालीहाइड दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड में से बन जाएगा एसिट आलडीहाइड तीन कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप्योनलडीहाइड चार कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट्रोलहाइड पांच कार्बन के लिए हो जाएगा वेलर आल्डीहाइड चलिए बच्चों ये तो थी कॉमन नेम की बात हम लोग यहाँ पे आई नेम अब शुरू करते हैं आयू नेमिंग कैसे किया जाएगा तो आई नेमिंग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक फिर से सिखा देता है बच्चों चलिए शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए रेडी हो इस शॉर्ट ट्रिक को हम लोग जब भी बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक आप लोग प्रिपेयर करो और उसके साथ साथ इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते जाइएगा चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट ट्रिक तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा आई यू नेम तो आई यू आप लोग नेम लिख डालोगे ई को ड्रॉप करेंगे और पीछे हमारा सफिक्स कौन सा होगा तो सफिक्स होगा आल तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा फॉर द आई नेमिंग ऑफ अल्डीहाइड अल्केनाल क्या हो जाएगा बच्चों अल्केनाल जैसे कि एक कार्बन एटम होता है तो मिथेनाल दो कार्बन एटम होता है तो हम लोग बोलेंगे इथेनाल तीन कार्बन एटम होता है वन टू थ्री तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेनल चार कार्बन एटम के लिए वन टू थ्री एंड फोर तो हम लोग बोलेंगे ब्यूटेल ओके okay, बच्चों अब आप लोग बताओगे कि सर यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप जो है वो एंड पोजिशन पे आता है तो हम लोग यहाँ पे उसका पोजिशन क्यों नहीं मैंशन करते हैं तो हमने आपको बताया था बच्चों कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जो हमेशा कहाँ पे आता है एंड पे एंड पे वो लोग कुंडी लगा के बैठे है कि भाई हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है बच्चों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो सी एच ओ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है नो नीड टू मेंशन इट्स पोजीशन उसका पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है नहीं उसे हमेशा कौन सा पोजीशन मिलने वाला है फर्स्ट पोजीशन कौन सा पोजीशन मिलने वाला है फर्स्ट पोजीशन रेडी चलिए बच्चों पांच कार्बन होता है तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो हम लोग बोलेंगे पेंटेन वन आल या फिर पेंटेनल दोनों सही है चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाउ वी हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप कौन-कौन से हैं एक तो CHO तो है ही लेकिन उसके साथ-साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे सबसे पहले रूल ध्यान में रखिएगा बच्चों CHO को क्या मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर बराबर है ना और दूसरी एक चीज कि जब हमारा वन फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ एक प्रेजेंट होता है या तो फिर दो सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम लोग नंबरिंग में सीएचओ का कार्बन कंसिडर करेंगे फिर से नंबरिंग में सी एच ओ का कार्बन कंसिडर करेंगे चलिए फॉर एलिफेटिक फॉर एलिफेटिक कंपाउंड चलिए बच्चों जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो ये 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 हो गया और चलिए बच्चों तो तीन carbon atom के लिए ये तो है ही हमारे पास second carbon के डबल बॉन्ड है तो इन यहां से ई को ड्रॉप कर दिया और पीछे क्या लगाया वन आल वन आल लिखने की जरूरत नहीं है प्रोप टू इन आल, जिसका कॉमन नेम क्या हो जाता है जिसका कॉमन नेम हो जाता है एक्रोलिन ध्यान में रखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया हुआ है व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ बोलेंगे चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे चार कार्बन एटम होंगे तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर तो क्या हो जाएगा ब्यूट टू इनाल क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूट टू इनाल चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इफ वी हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप अगर दो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि सीएचओ है सीएचओ है तो हम लोग यहाँ पे उसका नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों दो कार्बन के लिए मैंने बताया था या तो इस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दे दो और इसको सेकंड दे दो या तो फिर उल्टा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे दो कार्बन एटम है तो इथेन इतने हैं फंक्शनल ग्रुप दो है सेम टू सेम तो दो सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाते थे डाई और एल्डिहाइड के लिए आल तो इथेन यानी कि दो कार्बन एटम है एंड उसके लिए इथेन ओके दो सेम फंक्शनल ग्रुप इसीलिए हम लोग लिखाएंगे डाई और आल यानी कि एल्डिहाइड का सफिक्स लगाते हैं जिसका दूसरा एक नाम क्या बोला जाएगा ग्लायक्ल ओके चलिए बच्चों अब इसके लिए तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है वन टू थ्री फोर तो इसके लिए हम लोग आईयूपीएसी नेम क्या करेंगे ब्यूटेन चार कार्बन एटम है दो हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप है, no क्यों है क्योंकि दोनों कौन से ग्रुप है हमारे कुंडी लगाओ ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसका पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है चलिए आगे बढ़ता है देखते जाओ बच्चों अब यहाँ पे कुछ ऐसा है यहाँ पे एक और दो फंक्शनल ग्रुप है ओके है लेकिन और एक सब्सिट्यूट भी अटैच है कौन सा सब्सिट्यूएंट अटैच है तो यहाँ पे ये वाला मिथाइल सब्सटीट्यूंट अटैच है तो हम लोग नंबरिंग करेंगे नंबरिंग हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ये वन टू तो थ्री फोर चलो बच्चों कौन सी पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे तो हम लोग आई नेमिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टू मिथाइल ओके okay, टोटल कितने कार्बन एटम है फोर तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन और दो हमारे सेम फंक्शनल रूप है तो okay? बच्चों अब जरा ध्यान में रखिएगा बच्चों अब हम लोग सी एच ओ ग्रुप वेन दी एच ओ ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ द साइक्लिक स्ट्रक्चर तो उसके लिए क्या करते हैं फिर से वेन सी एच ओ ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ द साइक्लिक स्ट्रक्चर तो उसके लिए क्या करता है चलो बच्चों तो सीएचओ ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ सीधा यहाँ पे अटैच है नीचे साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा है तो साइक्लोप्रोपेन तो इस सी एच ओ को हम लोग नंबरिंग में करेंगे नहीं यानी कि क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और सीएचओ को बोलेंगे कार्बल तो तीन कार्बन एटम होता है तो हम लोग बोलेंगे कार्बल देख लो आप लोग यहाँ पे तीन कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा कार्बल वैसे ही अगर चार कार्बन एटम होंगे वन टू थ्री फोर फोर कार्बन एटम होंगे तो हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन ओके चलिए बच्चों वैसे फाइव कार्बन एटम होंगे इसका आई नेमिंग करते जाइएगा बच्चों फिर से बता देते हैं सबको क्या क्या पी -सी नेमिंग सीखने का सही तरीका क्या है वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमारे से पहले आप इसका आंसर लिखने का ट्राई कीजिए चलिए बच्चों ओके रेडी है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो सी एच ओ है वो ये रिंग के फर्स्ट कार्बन एटम समझिएगा बच्चों जिस कार्बन एटम के साथ सी एच ओ ग्रुप अटैच होता है उसे हमेशा फर्स्ट नंबर मिलता है और उसे ध्यान में रख के सब्सटीट्यूंट को ऐसे नंबरिंग देना है कि उसे लोएस्ट पोजीशन मिले तो यहाँ पे इसे फर्स्ट नंबर मिल गया तो मैं कुछ ऐसे यानि कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो ही मिथाइल को क्या मिलेगा लोएस्ट पोजीशन तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों तो इसका आयूपीएससी नेम हो जाएगा टू मिथाइल टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन और ऊपर सी एच ओ है तो उसके लिए हम लोग लोगे बोलेंगे यहाँ पे कार्बल ओके चलिए बच्चों हो गया यस रेडी ओके चलो बच्चों अब यहाँ पे सीएचओ भी है मिथाइल भी है इथाइल भी है यहाँ पे तो एक से ज्यादा सब्सिटूं है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों चलिए पहले सिंपल वाला रूल लगाते हैं सीएचओ जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उसे फर्स्ट नंबर दे देते हैं पे इसे फर्स्ट नंबर मिल इसे मिल गया गया इसे इसे सेकंड नंबर थर्ड नंबर मिल गया चलो तो बच्चों टोटल नंबर है हमारे पास टोटल कितने कार्बन है सिक्स तो हम लोग बोलेंगे साइक्लो एक्सन सेकेंड पोजिशन पे है मिथाइल ग्रुप ये वाला मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है तो यहाँ पे ये है हमारा इथाइल ग्रुप चलिए बच्चों मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल तो इथाइल को फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसके लिए नेमिंग के लिए चलो बच्चों तो हम लोग यहां पे बोलेंगे थ्री इथाइल टू मिथाइल साइक्लो हेगेन कार्बल फिर से बच्चों नाम क्या देंगे थ्री टू मिथाइल साइक्लोन कार्बलहाइड चलिए क्या बच्चों आपके आंसर सही आ रहे हैं चेक योर सेल्फ एवेल्यूएट योर सेल्फ <coughs> ओके चलिए बच्चों यहाँ पे सी एच ओ जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उस ए सेकेंड पोजिशन ओके तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों गिन लीजिए चलिए फटाफट से सिक्स हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे साइक्लो सिक्स है तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे हेक्स सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है तो हम लोग बोलेंगे हेक्स टू इन साइक्लो हेक्स इन कार्बाल्डिहाइड क्या बोलेंगे बच्चों साइक्लोहेक्सटुन कार्बाल्डिहाइड चलिए बच्चों अब इसका फटाफट से अब हम लोग करेंगे ये फर्स्ट कार्बन एटम ये रहा हमारा सेकेंड कार्बन एटम तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आई नेम तो आई नेम हो जाएगा साइक्लो पहले रिंग का करेंगे साइक्लो हो गया फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन तो ये फर्स्ट कॉमा सेकेंड ओके दो हमारे पास ऑल ग्रुप है तो हम लोग बोलेंगे डाई एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो उसका कार्बन नंबरिंग में कंसिडर नहीं करेंगे और जब उसका कार्बन नंबरिंग में कंसिडर नहीं करते हैं तो क्या लगाते हैं डाई कार्बल डाई डाय क्या बोलेंगे बच्चों डाई कार्बल हाइड ओके चलिए बच्चों अब इसका करते हैं अब यहां पे ध्यान में रखिएगा बच्चों

सेकेंड पोजिशन पे हमारा है क्या साइक्लोहेक्साइल तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख डालेंगे टू साइक्लो हेक्साइल इथेनॉल क्या बोलेंगे बच्चों टू साइक्लो और ऊपर दो कार्बन आइटम सीएचओ ग्रुप है तो उसे बोलेंगे इथेनॉल अब बच्चों इसका करते हैं CHO ग्रुप को तो हमें फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा ये रहा फर्स्ट नंबर इसे सेकंड नंबर देना पड़ेगा ये रहा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले ऐसे नंबरिंग करना है तो ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम रिंग का ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम ये रहा जैसे कि रिंग का कार्बन हम लोग बता दे रहे ये रहा रिंग का फर्स्ट कार्बन एटम सेकंड कार्बन एटम थर्ड कार्बन एटम फोर्थ कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम चलिए बच्चों तो ये रहा सेकेंड कार्बन एटम सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे सेकेंड पोजीशन के ऊपर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच है तो हम लोग बोलेंगे टू साइक्लो पेंट अब डबल बॉन्ड की बारी टू इनाइल इनाइल डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इनाइल ओके टू साइक्लोपेंट टू इनाइल ओके अब कितने कार्बन बच्चे यहां पे देखो ये पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका तो नेमिंग हमने कर दिया अब यहाँ पे बाहर जो है आउट ऑफ रिंग उसका नंबरिंग करता है और उसका नेमिंग करते हैं दो कार्बन एटम है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे टू साइक्लोपेंट टू इनाइल इथेनाल चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब कुछ इसका आई यू पी एस सी नेमिंग हम लोग ट्राई करते हैं क्या होता जाएगा ये आल डीडी है, है जरा समझते जाना चलो बच्चों कैसे यहाँ पे ये कार्बन एटम है सी डबल बॉन्ड हो तो ये हो गया ये कार्बन एटम है हमारा सी डबल बॉन्ड हो तो हो गया और यहाँ पे एच हो जाएगा टू सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड्रा वेलेंसी इसको अगर हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे तो इसे मिल जाएगा सेकेंड नंबर इसे मिल जाएगा थर्ड नंबर इसे मिल जाएगा फोर्थ नंबर और इसे मिल जाएगा फिफ्थ नंबर चलो थर्ड पोजीशन पे ये कौन सा है हमारा तो ये है हमारा साइक्लो प्रोपाइल ये कौन सा ग्रुप है बच्चों साइक्लो प्रोपाइल तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बोल देंगे थ्री साइक्लो प्रोपाइल चलिए बच्चों इतना तो हो गया अब टोटल कितने कार्बन है पांच तो पांच कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हमारा पेंट ओके okay, ये भी होगा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट थ्री इन ये भी होगा पेंट थ्री इन और यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हम लोग कौन सा सफिक्स करते थे? तो पेंट थ्री इनाल पेंट थ्री इनाल चलिए बच्चों अब इसके लिए कुछ करते हैं अब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान में रखना आई यू पी एस सी नेमिंग में सबसे पहले सीएचओ को प्रायोरिटी मिलना चाहिए तो हमारे पास दो सीएचओ डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है उन्हें ही प्रायोरिटी देंगे ये जो सीएचओ ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच नहीं है तो उसे प्रायोरिटी नहीं मिलेगा अब सीएचओ ग्रुप से नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सब्स्टिट्यूटेंट को लोएस्ट पोजीशन मिले तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं रिंग में तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सिक्स अब हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नंबरिंग कुछ यहां से स्टार्ट करेंगे ये जो है इसका फर्स्ट पोजीशन ये जो है वो सेकंड पोजीशन ये है थर्ड पोजीशन ये है फोर्थ पोजीशन ये है फिफ्थ पोजीशन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन एटम तो हम लोग यहां पे बोलेंगे ये सेकंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है समझना बच्चों ये जो सी एच ओ है उसके लिए अब हम लोग सफिक्स कौन सा यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं कि सी एच ओ के लिए अगर सी एच ओ को एज हम लोग यूज करते थे तो हम लोग बोलते थे आल लेकिन अगर उसे एज अ प्रिफिक्स यूज करना है तो उसके लिए प्रिफिक्स हम लोग एक कार्बन एटम के लिए प्रिफिक्स क्या लगाएंगे तो प्रिफिक्स हो जाएगा हमारा फॉर्माइल क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्माइल ध्यान में रखिएगा तो इसके लिए फॉर्माइल और सी एच टू यानी कि मिथाइल तो ये सेकेंड पोजिशन पे है, तो टू मिथाइल ये हमारा हो गया चलिए अब आगे करते हैं आगे क्या बताया गया हुआ है टोटल सिक्स कार्बन एटम है तो साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे सी एच ओ ग्रुप अटैच है कितने सी एच ओ है दो तो हम लोग बोलेंगे वन फोर डाय है फिर से बच्चों सेकेंड पोजीशन पे सी एच टू सी एच ओ है जिसमें सीएचओ के लिए हम लगाएंगे फॉर्माइल सी एच टू के लिए लगाएंगे मिथाइल तो टू फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सिक्स कार्बन एटम है रिंग में साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे कार्बल है कितने दो तो हम लोग बोलेंगे वन फोर डाय चलिए अब इसका आई नेम ट्राई करता है बच्चों ये रहा चलो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबरिंग कहा से स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे देखो बच्चों ये रहा सी एच ओ को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ये रहा सेकंड थर्ड आप लोग लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी ले सकते हो तो ये रहा थर्ड पोजीशन चलिए ओके सेकंड पोजीशन पे क्या है तो सेकंड पोजीशन पे बच्चों एक है हमारा मिथाइल ग्रुप ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप और दूसरा क्या है तो दूसरा ये रहा साइक्लिक स्ट्रक्चर अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा बोलो बच्चों रेडी हो नंबरिंग के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में चलो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग नंबरिंग करते हैं यहाँ पे नंबरिंग करना शुरू करते हैं वन टू और ये थ्री तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे तो सेकेंड पोजिशन पे हो जाएगा टू साइक्लोहेक्स थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो थ्री इनाइल सेकेंड पोजीशन पे ये रहा सेकेंड कार्बन एटम उसके ऊपर मिथाइल है तो टू मिथाइल और फिर ये रहा वन टू थ्री तीन कार्बन एटम है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेनल क्या बोलेंगे बच्चों प्रोपेनाल ओके okay. वैसे ही बच्चों यहाँ पे अगर इसका आई नेम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन एटम लिख डालता है चलिए बच्चों तो कार्बन एटम यहाँ पे लिखेंगे ओके okay? अब उसे नंबरिंग दे देंगे तो सी एच ओ को तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगा यहाँ पे ये रहा फर्स्ट पोजीशन फिर उसके बाद इसे सेकंड इसके बाद इसे थर्ड इसके बाद इसे फोर्थ इसके बाद इसे फिफ्थ और इसके बाद इसे सिक्स पोजीशन मिलेगा तो नेमिंग कैसे करेंगे टू ब्रोमो क्यों टू ब्रोमो को पहले लिया क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करेंगे इसीलिए टू ब्रोमो फाइव इथाइल थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये रहा साइक्लोहेक्सेन और सी एच ओ जो डायरेक्टली यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कार्बलडीहाइड ओके चलिए वैसे ही बच्चों यहाँ पे सी एच ओ अगर सीधा बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो अब ये बेंजीन रिंग है इसीलिए हम लोग उसका नाम क्या करेंगे बेनजाली चलिए बच्चों क्या नाम करेंगे बेंजाल्डिहाइड क्या नाम करेंगे बेंजाल्डिहाइड ओके okay. उसका दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन क्या बोल सकते हैं बच्चों बेंजीन कार्बालडीहाइड चलिए अब इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये बेंजीन का फर्स्ट कार्बन एटम है ये रहा सेकेंड कार्बन एटम ये रहा थर्ड कार्बन एटम और ये रहा फोर्थ कार्बन एटम अब फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग बोलेंगे फोर मिथाइल बाकी का इट इज जैसे बाजू में है, वैसे ही फोर मिथाइल जिसका दूसरा कॉमन नेम क्या हो सकता है पैरा पैराटोल्यूआल क्या हो सकता है पैरा पैराटोल्यूआल चलो बच्चों अब इसका यूपीएससी नेम करेंगे ये क्या हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर इस कार्बन एटम को सेकंड नंबर मिलेगा सेकेंड पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो हम लोग बोलेंगे टू जिसका एक अच्छा सा कॉमन नेम हो सकता है ओके okay? चलिए बच्चों अब इसका यूपीएससी नेम तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड सेकंड पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग बोलेंगे टू फिनाइल इथेनॉल क्या बोलेंगे बच्चों टू फिनाइल इथेनॉल और वैसे ही यहाँ पे चलो इसका यूपीएससी नेम किया जाए तो सबसे पहले रूल क्या था सीएचओ को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है तो वन टू थ्री सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे फिनाइल रिंग है तो हम लोग बोलेंगे टू फिनाइल प्रोपेनाल हो जाएगा चलिए बच्चों अब इसका यूपीएससी नेम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सीएचओ को लोएस्ट नंबर वन टू थ्री थर्ड पोजीशन पे तो थर्ड पोजीशन पे क्या है फिनाइल रिंग है तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे थ्री फिनाइल थ्री फिनाइल, प्रोप सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप प्रो टू इनाल क्या बोलेंगे बच्चों थ्री फिनाइल प्रोप टूनल जिसका अच्छा सा एक दूसरा कॉमन नेम हो सकता है सीनेमालीहाइड क्या हो सकता है सीनेमालीहाइड ओके अब इसका आई नेम करेंगे इसे फर्स्ट पोजीशन देंगे बच्चों और इसे सेकंड पोजीशन देंगे चलो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों पे सी एच ओ तो हम लोग बोलेंगे डाई कार्बल डिहाइड तो यहाँ पे आई नेम क्या हो जाएगा आई नेम हो जाएगा बेंजीन वन टू डाई कार्बल डिहाइड क्या हो जाएगा बच्चों बेंजीन जिसका और एक अच्छा सा नाम हो सकता है थे क्या हो सकता है थेड तो ये आज हमने बच्चों यहाँ पे आई यू पी एस सी एज वेल एज कॉमन नेम देखे जिसमें से कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट जे और गुटसेट जैसी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड छोटे-मोटे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं ध्यान में रखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करिए यहाँ पे वर्कशीट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो उसे भी सॉल्व करने का ट्राई करिए इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू कांटेक्ट अस लेकिन जानते हो ना हमारा टैगलाइन जब तक तोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यानी कि नीट और जेई जैसी एग्जाम को जब तक हम लोग क्रैक नहीं कर लेंगे तब तक ऐसे मजेदार वीडियो का लुप्त उठाना हम लोग छोड़ेंगे नहीं चलिए बच्चों तो इसी के साथ आज का ये हम लोग वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं दूसरे लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे टिल देन बाय बाय